अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की मेरी वीडियो है बहुत ही डिफरेंट। इसमें आपको मैं 3 ड्रेसेस दिखाऊंगी जो कि जिससे आपको स्टिचिंग आइडियाज़ मिलेंगे। तो सबसे पहला ड्रेस नंबर 1 इस पर आते हैं, और ये है जनाब वर्दा ब्रांड का, और ये मैरून कलर में है। इसका ये नेकलाइन जो है आज मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। ये नेकलाइन मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, क्योंकि मुझे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं था किया इस वजह से। तो ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसके कुछ इस तरह से हैं। मैंने आगे बॉर्डर की पट्टी अटैच करके पीछे इसमें थोड़ी चुनट डाल दी थी, उससे ये खूबसूरत भी लगती हैं और जो बिल्कुल सिंप्लिसिटी होती है वो ख़त्म भी हो जाती है इसमें से, ठीक है। और ये जनाब 2-पीस सूट लिया था मैंने वर्दा से, प्राइस हैं इसके 1800, और इसके साथ लोकल मार्केट से ट्राउज़र लेके और इसको 3-पीस कंप्लीट किया था। वर्दा की लॉन भी अच्छी है, बट ये है कि बहुत अच्छी भी नहीं और नॉर्मल लोकल मार्केट जैसी लॉन जैसी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी है उसकी नस्बत। और ये इसका है दामन, और इसमें ये वाइट कलर के जो है मैंने पाइपिंग अटैच की थी। ये है इसका ट्राउज़र, ये फैब्रिक इसका लॉन है। इस तरह मैंने ये बॉर्डर को जो है नीचे एक पट्टी लगा दी, फिर ये 3 प्लेट्स लगा दिए और ऊपर फिर एक पट्टी लगा दी। सिंपल ट्राउज़र सीने की बजाय अगर आप इसको इस तरह से डिज़ाइन थोड़ा कर लें तो आपके सूट की लुक बहुत एलिगेंट लगती है और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह सिलवाएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपका ड्रेस जो है अच्छा लगेगा। तो जनाब ये है मेरे ड्रेस की ओवरऑल लुक, कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। और ये अंदर से प्लेन टाइप है, साइड पे इसके प्रिंट है, ये इसका नेकलाइन और इस तरह से। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस नंबर 1 कैसा लगा, और इसके साथ ये जो ट्राउज़र है ये इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है इसका शिफॉन का दुपट्टा, और बहुत ही लाइट सी और सॉफ्ट सी शिफॉन थी इसकी। और ये इसका ट्राउज़र है, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन इससे आपका ड्रेस जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरे ड्रेस की है बैक साइड, और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स आप लोगों को इस तरह से क्लोजली समझ आ गए होंगे किस तरह से मैंने बनाए हैं, और ये बहुत प्यारे लगेंगे। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप किसी से स्टिच करवाते हैं तो उसे ये डिज़ाइन आप दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट से। अच्छा, और ये मेरा ड्रेस नंबर 2 है, और ये है खाड़ी से मैंने सिंगल शर्ट ली थी, प्राइस हैं इसके 800, ये मैंने सेल में से ली थी। और इसका नेकलाइन कुछ इस तरह से बना के राउंड कॉलर नेक बना के और नीचे ये शमोज़ के जो बटन मिलते हैं वो मैंने 6 बटन अटैच कर दिए। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसका जो बॉर्डर था वो साइड पर बहुत मल्टी था, और इसको मैंने बाजू और दामन पे अटैच कर लिया। तो ये देखिए इसके लगा के पीछे ये जो ज़िगज़ैग होती है सिल्वर या गोल्डन कलर की, एक वो पट्टी अटैच कर दी, तो इससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसमें कंट्रास्ट अगर आप करेंगे इसका जो बॉर्डर में सबसे थोड़ा जो सबसे कम कलर होता है अगर आप वो लगाएं ना, तो उससे ये पाइपिंग वगैरह करें तो आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ जी, इस तरह से ये है मेरे ड्रेस की ओवरऑल लुक। और ये खाड़ी की लॉन तो ज़बरदस्त सुपर डुपर है, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि आप इस पर कोई इशू करेंगे इसकी लॉन अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत अच्छी लॉन है इसकी। और इसके साथ मैंने जेड रॉट से रेडीमेड ट्राउज़र लिया था वो है, और दुपट्टा भी इसका ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर है, इस ये वाला कलर का दुपट्टा है। अगर आप चाहें आप ब्लैक ले सकते हैं, कोई भी कलर जो बॉर्डर में है आप लें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से मेरी शर्ट है, कुछ इस तरह नज़र आएगी पहनी हुई, ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, ड्रेस नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये ड्रेस मैंने लिया था निशात से, 2-पीस ड्रेस है, प्रिंटेड है, और इसका नेक देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग करके इसमें जो है स्टोन्स अटैच कर दिए। ये स्टोन्स बहुत अच्छे लगते हैं और मार्केट में काफ़ी आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसका प्रिंट बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा नेक पे जो है ये फ्लॉट्स बड़े बड़े से आ रहे हैं और बाकी सारा सेल्फ प्रिंट या ये डॉट्स में है। इसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरह मैंने 3 जो हैं ज़िगज़ैग वाली पट्टियाँ लगाई, बल्कि 4 ज़िगज़ैग की पट्टियाँ कलर्स में लगाई, और ये आगे जो लेस है, ये लेसेस जो हैं ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। इस तरह आपके स्लीव्स जो हैं वो ज़रा
इनकी लुक बहुत अच्छी आती है। और ये है मेरे ड्रेस की इस तरह से लुक। और इसके साथ मैंने ग्रीन कलर की पाइपिंग अटैच की थी। हर ड्रेस के साथ पाइपिंग अटैच करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस तरह आपका ड्रेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये है इसकी ओवरऑल लुक। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ड्रेसेस किस तरह के लगे। और इसके साथ ये है इसका ट्राउज़र, जो कि मैंने थोड़ा सा बेल बॉटम शेप में बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो ये इसकी शर्ट है, इसका फैब्रिक जो है बहुत अच्छा है ये, क्योंकि निशात की लॉन भी बहुत अच्छी होती है। इसके प्राइस थे 1750। ये भी मैंने सेल में से बाय किया था, टू पीस ड्रेस। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर डिज़ाइनिंग को ये आपने कॉपी करनी हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो आई होप आप लोगों के ड्रेसेस भी बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह आपको अपने स्लीव्स डिज़ाइन करने चाहिए और किस तरह आपको नेकलाइन लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नेकलाइंस का बिल्कुल भी फैशन नहीं है। लाइट से नेकलाइंस चलते हैं, लाइक बोट नेक तो बहुत ज़्यादा फैशन में। हाँ जी, तो ये इसकी है बैक साइड और ये है मेरे ड्रेस की ओवरऑल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।